श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे रावण के जन्म की कहानी। देखिए, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनके समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन वस्तुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षण करेंगे और कुछ ने कहा कि हम इनका यक्षण करेंगे, मतलब पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षण करेगा वो राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वो यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार वे दो जातियों में बट गए। पौराणिक काल में राक्षसों में हेती और प्रहेती दो भाई थे। प्रहेती तपस्या करने चला गया परंतु हेती ने भया से विवाह किया जिससे उसका विदुतकेश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विदुतकेश के सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यवान, सुमाली और माली नामक तीन पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त कर लिए कि हम तीनों का प्रेम अटूट हो और हमें कोई पराजित नहीं कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और सुरु असुरु को जताने लगे, सॉरी सताना शुरू कर दिया। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया और वहां बड़े आनंद के साथ रहने लगे। माल्यवान के वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तघन, यज्ञकोप, मत और उन्मत नामक सात पुत्र हुए। सुमाली के प्रहस्त्र, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दंड, सुपार्श्व, श्राद्री, प्रदस और भारकर्ण नाम के 10 पुत्र हुए। अब माली के अनल, अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। चारों पुत्र हुए। ये सब बलवान और दुष्ट प्रकृति होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण जब भगवान विष्णु के शरण में गए तो उन्हें आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं दुष्टों का अवश्य ही नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो सब मंत्रणा करके संगठित होकर माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। अब समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र से संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष जो थे लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्रुद्ध होकर युद्धभूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास पड़ा। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे। लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपने पुत्र कैकेसी से कहा कि यह पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूं कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। पिता की आज्ञा पाकर कैकसी विश्रवा के पास गई। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जानकर विश्रवा ने कहा कि हे बत्रे, तुम इस कुबेला में आई हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूर कर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि भगवान, आप ब्रह्मवादी आत्मा हैं, आपसे मैं ऐसी दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कैकसी के वचन सुनकर मुनि विश्रवा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम दशग्रीव रावण रखा गया। इसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण का जन्म हुआ। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था, उसमें कुंभकर्ण ज्ञानी व्यक्ति था। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।